केरल के सम्माननीय राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी आज की इस सभा के अध्यक्ष पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी यहाँ उपस्थित कई सारे विद्वान वर्तमान भूतपूर्व कुलपति कई आध्यात्मिक क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व श्रद्धेय व्यक्तित्व और कुछ वरिष्ठ गुरुजन्य प्रोफेसर को लोगों को भी मैं देख रहा हूँ। श्रीमान कपिल कपूर जी बैठे हैं, कंचन गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी बैठे हैं। तो वैसे तो काशी अपने आप में मतलब विद्वानों का ही एक शहर है, तो सभी को वंदन, सभी को अभिवादन, प्रणाम। एक विशेष प्रकार के उत्सव का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है और लगातार 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा, शब्दों का उत्सव। इस ऐसे आयोजन के लिए मुझे लगता है कि अत्यंत परिश्रम पूर्वक योजना बनी है। मैं सभी लोगों को बहुत अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां अध्यादेश कुछ सोच रहा था कि वास्तव में अभी ये क्या आने वाला समय भारत का समय है। अभी जो चल रहा है वो समय भारत की विशिष्ट भूमिका का समय है और जितने भी विचार मन में आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये भारत का समय है और भारत की विशिष्ट भूमिका का भी समय है। क्योंकि भारत ने हजारों वर्षों तक अपनी विशिष्ट भूमिका को निभाया था। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद पुनः एक बार जनमानस में ऐसा उत्साह आया है और ये ऐसा अनुभव में आता है कि ये पुनः भारत के उदय का समय है और ऐसे समय पर ये चर्चा आवश्यक है कि हम किस दिशा में जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। कि काशी में हम बैठे हैं, कहते हैं कि अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो आपने भ्रम पहले तोड़ना पड़ता है, जो भ्रमित करने वाली बातें हैं उससे मुक्त होना पड़ता है और जो ज्ञानी होते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त होने पर ये भ्रम टूटते हैं, जब भ्रम टूटते हैं तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। तो भारत के ज्ञान को अगर प्रकट होना है तो पहले सारे भ्रम जितने भी उपस्थित हुए उनको तोड़ना पड़ेगा। भारत क्या है, भारत कब बना, कैसे बना, इसका उद्देश्य क्या बना, इसका वर्तमान क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके संदर्भ में जितने भी भ्रम फैलाए गए उससे मुक्त होना पड़ेगा, उससे मुक्त होकर स्पष्ट रूप से समझना होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे अपने आंखों से देखने का समय है। बीच में कुछ ऐसे वर्ष गए कि हमारे यहां एक
अभ्यास सा हो गया कि दूसरों की विदेश की आंखों से देखो। जीवन के हर क्षेत्र की तरफ उन्हीं आंखों से देखने का एक अभ्यास सा हो गया और उस कारण से भी कई भ्रम उत्पन्न होते हैं। आज मुझे लगता है कि अपने अनुभूति से, अपने अनुभव से, अपने अनुभव से समझने का समय और इस दृष्टि से ये काशी का शब्दोत्सव जो है वो उस दृष्टि से मार्गदर्शक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत का कि जो सभ्यता और संस्कृति उसके प्रारंभिक जीवन से यात्रा को अगर हम देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि एक दूसरे के बारे में जानते जाना, समानताओं को समझते जाना, एकत्व की अनुभूति लेते जाना और फिर एक दूसरे से अपने रिश्तों को समझते जाना, बढ़ाते जाना और इसी से हम जुड़ते चले गए और इसी से एक दूसरे की चिंता करते करते ही हमारा ये राष्ट्र बना है। इसलिए इसकी मूल प्रकृति में है कि समानताओं को ढूंढना और समानताओं से अपने रिश्ते को समझना और उस रिश्ते को बढ़ाते हुए एक दूसरे की चिंता करना, सबके अस्तित्व की चिंता करना और आगे बढ़ते जाना। ये चूंकि अपने इस एकता की अनुभूति की जो आधार पर ही अपने राष्ट्र के निर्माण की यह प्रक्रिया चली और लगता है कि कुछ वर्षों तक, कई वर्षों तक यह प्रक्रिया चली होगी, फिर कुछ स्थिरता आने के बाद हजारों वर्ष तक उसी स्थिरता से एक राष्ट्र की आराधना के रूप में यह राष्ट्र चलता है। इसके वर्णन यथातथा सर्वत्र मिलते हैं। और इसका लाभ पूरे दुनिया विश्व को भी हुआ कि कोई एक राष्ट्र इस आधार पर बनता है, वो समृद्ध होता है, सुख शांति से रहता है तो पूरे विश्व को भी इसकी अनुभूति होती है और पूरा विश्व शांति का अनुभव करता है। ये समय भी विश्व में रहा और ये एक दिन में, दो दिन में नहीं हुआ, ये हजारों वर्षों की साधना के बाद है। और इसीलिए उस समय के लिए जरूर कुछ भ्रम अपने देश में उत्पन्न हुए पिछले कुछ वर्षों में और जिसके कारण विद्वान भी कुछ भ्रमित हुए। जब कुछ विद्वान भी भ्रमित होते हैं तो उनकी क्षमता ज्यादा होती है और फिर ऐसे विद्वानों ने अपने भ्रमित शिष्य भी तैयार किए। और लेकिन ये परंपरा अपने देश में बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। इसके बारे में चिंता जरूर करनी चाहिए लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। देश के स्वाधीनता के पूर्व ही इसकी चिंता हमारे देश के राष्ट्रीय विचार के लोगों ने प्रारंभ कर दी और इसी का परिणाम यह हुआ स्वाधीनता के आंदोलन में भी ऐसे ऐसे लोग थे जो राष्ट्र के सही स्वरूप की चिंता कर रहे थे। इसलिए वो स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी, स्व के बारे में बात कर रहे थे। और एक धारा वो भी चल रही थी जिसका प्रभाव शायद हमारे शासन प्रशासन पर भी आया, हमारे अकादमिक जगत पर आया, साहित्य जगत पर आया, जिसके कुछ परिणाम भी हुए हैं। परंतु भारत में की यात्रा कुछ 100-200 साल की नहीं है, हजारों वर्ष की है।
जब शुद्ध मन से सात्विक भाव से कोई राष्ट्र खड़ा होता है तो वो राष्ट्र विश्व की चिंता करता है और उससे जो भी बातें उत्पन्न होती है उसकी साधना से वो दूरगामी विश्व कल्याण के लिए ही होती है। इसलिए जब चिंतन हुआ तो उसमें से ऐसे ऐसे सार निकले, एक सार का नाम आयुर्वेद बना, एक सार का नाम योग बना, ऐसे कितने सारी बातें उस साधना से उत्पन्न हुई और स्थायी रूप से विश्व कल्याण के कार्य में लगी। और इसलिए भारत के ज्ञान का मूल सार ही विश्व कल्याण है। उस ज्ञान की आज के समय में भी विश्व को आवश्यकता है। कल ही मैं चेन्नई में था, चेन्नई में मैंने कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे, कॉन्क्लेव में था, तो वहां मैं यही बात कह रहा था कि दुनिया के कई सारे आज विकास की चर्चा हो रही है, नए ज्ञान की भी चर्चा हो रही है। दुनिया में आज जितने भी विकसित देश हैं या जो भी विकास की धारा चली है, तो आज जब भारत के भी एक आगे बढ़ने की बात हो रही है, पूरी दुनिया कहेगी कभी तीसरे क्रमांक पर आएगा, पांचवे पर आएगा, आगे बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से चर्चा हो रही है, समृद्धि की चर्चा हो रही है, तो ये बात जरूर सोचने की है कि विकास कैसा होना चाहिए। अगर विकसित देशों की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत सारे जो आज विकसित देश हैं, उन विकसित देशों ने इस विकास की जो कल्पना आई उसके लिए क्या कीमत दी है। ध्यान में आता है कि विकास के कीमत में अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपनी परिवार व्यवस्था को, अपने सुख को, समाधान की कॉस्ट उन्होंने दी, उसकी कीमत पर यह विकास। विकसित देशों के आप रहना पड़ता है उनको, उसके कारण बहुत सारी असुविधाएं और बहुत सारे परिणाम है। और मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, अगर विकसित देशों की हम एक इस तरीके से आंकड़े देखेंगे कि वहां डिप्रेशन कितना हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो हमें ध्यान में आएगा कि इस तरीके के विकास की कीमत भी चुकाई गई है और उस विकास के लिए धन के लिए भी दुनिया के साथ बहुत बड़े अत्याचार किए गए, जिस लूट की गई और उसके परिणाम स्वरूप विकास का रास्ता खुल जाना है। और इसलिए हम जब विकास की राह पर जा रहे हैं तो हमें किस कीमत पर अपना विकास करना है और उसका मॉडल क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए, दुनिया भी इस पर सोच रही है। विकास के कीमत के रूप में क्या हम पर्यावरण को दे सकते हैं? पर्यावरण के संतुलन को खोना इतनी बड़ी कीमत क्या विकास के लिए देना है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी दुनिया के सामने है। और इसलिए ऐसे ज्ञान की खोज पूरी दुनिया में, विश्व में हो रही है कि ऐसा ज्ञान, ऐसे विकास का, सम्माननीय सभ्यता के विकास का ऐसा रास्ता लिया जाए जिसमें हमारे मानवीय सुख जो है, मनुष्य का समाधान है, हमारे पारिवारिक मूल्य, उसकी भी चिंता हो जाए, पर्यावरण की भी चिंता हो जाए, मनुष्य का जो मनुष्यत्व है वो सुरक्षित हो जाए। ऐसा ज्ञान कहीं से मिलेगा जिसके आधार पर कोई नई व्यवस्था पूरे विश्व में बनाई जाए। अब नई नई तकनीकी रोज आ रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी तक चल रहा था कि जो तकनीकी आई उसको ले लो, क्योंकि नई है, आ रही है, आने दो, सबको आने दो। लेकिन क्या कोई समृद्धि की ओर जाने वाला देश, कोई ऐसा राष्ट्र ऐसा हो सकता है? हम अपने कपड़ों के लिए भी चॉइस रखते हैं कि भाई क्या लेना क्या नहीं लेना, घर कैसे, चॉइस रखते हैं। तो हमें आने वाले रास्ता ये होगा कि पूरे भारत को और पूरे विश्व को तकनीकी के बारे में वो निर्णय रोबोट पर नहीं या ऐसे स्थितियों पर नहीं, तो हम लोगों को एक
उत्तम व्यक्ति मनुष्य के नाते इसका निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी तकनीकी होगी जो मनुष्य जीवन के लिए निसर्ग के लिए अच्छी रहे। तो आने वाला समय तकनीकी के चयन का भी है। हमारे आर्थिक मॉडल क्या होंगे, समता आनी चाहिए, उसके आर्थिक मॉडल क्या होंगे, ये भी आज का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। अब ऐसे और उससे एक से दूसरी ही बात निकली है। एक ने कहा कि ये रास्ता दो, तो दूसरे ने दूसरा रास्ता लिया, उससे और शोषण हुए इंसान। तो अब ऐसे ज्ञान की जरूरत है जिससे ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे सब लोग शामिल भी हो सके, समृद्धि सब तक पहुंच सके, और समृद्धि ऐसी भी हो कि जिससे फिर पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है इसलिए भारतीय ज्ञान के प्रकट होने का ये उचित समय है। और इसलिए आज पूरे विश्व के सामने मनुष्य सभ्यता कैसी हो, ये जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है जिसको टुकड़ों टुकड़ों में लोग चर्चा कर रहे हैं, परंतु एक समग्र चर्चा की दिशा देना आवश्यक है। और उस दिशा देने का कार्य जो है वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से हजारों वर्षों के कई प्रकार के अनुभवों से सिद्ध ऐसे भारत की है, ऐसे भारत के ज्ञान को प्रकट होने की है, जिससे भारत का तो भला होगा ही पूरे विश्व का भला होगा। और वो ज्ञान की कई शाखाएं हैं, हर शाखा का अपने आप में एक संबंध है परस्पर, उन सब के चिंतन की आज आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से देश में बहुत सारी जगहों पर ऐसे चिंतन हो रहे हैं, परंतु उस चिंतन में जब तक काशी का नेतृत्व नहीं होगा तब तक ये चिंतन उस दिशा में उस गति से नहीं जा सकता। और उस दृष्टि से आज से जो ये काशी शब्दोत्सव प्रारंभ हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको उस महत्वपूर्ण दृष्टि से इसको देखना है। और मुझे विश्वास है यहाँ जितने भी मंथन होंगे, जितने सत्रों में चर्चा होगी, इस दिशा में जरूर विचार होगा। और ये 3 दिन में समाप्त नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में ये धारा चलती रहेगी और धीरे धीरे ये ज्ञान प्रकट होने का जो समय आया है उस दिशा में आप लोग सब मिलकर बढ़ते रहेंगे। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।